सेपरेट हो गए थे, मगर यहाँ पर अनाफी सेकेंड में क्या होता है, देर इज द डिविजन ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अब देखो ये क्रोमोजोम, इधर वाला एक डॉटर क्रोमोजोम है, इधर वाला एक डॉटर क्रोमोजोम है, एक डॉटर क्रोमोजोम है, एक डॉटर क्रोमोजोम है, एक डॉटर क्रोमोजोम है, एक डॉटर क्रोमोजोम है। और एनाफेज में क्या हो जाता है, ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स कंडेंस्ड होना शुरू कर देते हैं, एंड ड्यू टू दैट कंडेंसेशन द सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोजोम्स, ये क्रोमोजोम्स के जो सेट्स है, दे स्टार्ट टू मूव अपोजिट टू ईच अदर्स, एक दूसरे से वो अपोजिट मूव होना शुरू कर देते हैं, तो इनको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज सेकेंड। और अनाफेज सेकेंड के बाद में नेक्स्ट वाली जो स्टेज आती है, देखो दिस इज कॉल्ड एज टेलोफेज सेकेंड। अब ये टेलोफेज सेकेंड के अंदर क्या होता है, दीज सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, डॉटर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दे रीच टू कंप्लीटली अपोजिट पोल्स, एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स आर कंप्लीटली डिसअपीयर्स, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो जाते हैं यहाँ पर जो रहते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर होने की वजह से क्रोमोसोम्स पूरे अपोजिट पोल के ऊपर जाने की वजह से, अब टी फेज है, टेलोफेज बोले तो रिवर्स टू प्रोफेज, रिवर्स बोले तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपीयरेंस, सॉरी स्टार्ट टू रीअपीयरेंस, नॉट डिसअपीयरेंस, स्टार्ट टू रीअपीयरेंस अराउंड द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम के सेट के अराउंड में यहाँ पर ऐसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू कर देती है। अब देखो ऐसे ये मियोसिस सेकेंड में ऐसे क्या फॉर्म हो गए, चार डॉटर न्यूक्लिया फॉर्म हो गए। अब ये चारों डॉटर न्यूक्लिया के अंदर देखो दो दो क्रोमोसोम आपको दिखाई देंगे, पैरेंटल सेल के अंदर पहले से ध्यान में रखो आप, वहां चार क्रोमोसोम थे, अभी यहाँ पर दो दो ही आ गए हैं। तो ऐसे ये क्या हो जाता है, दिस इज अबाउट द टेलोफेज सेकेंड, ऐसे टेलोफेज सेकेंड कंप्लीट हो जाती है। अभी टेलोफेज सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज द साइटोकाइनेसिस सेकेंड। अभी ये देखो ये साइटोकाइनेसिस सेकेंड फॉर्म हो जाता है, साइटोकाइनेसिस यानी देयर इज द कंप्लीट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पर पूरा साइटोप्लाज्म का ये ऐसे डिवीजन हो जाता है और ऐसे भी डिवीजन हो जाता है, और दो के कितने सेल्स बन जाते हैं, चार सेल्स बन जाते हैं। अब देखो ये जो चारों सेल्स हैं, these are the haploid daughter cells, haploid diploid cells से haploid cell बन जाते हैं, क्योंकि parent cell diploid थे और parent cell के अंदर चार chromosome थे, तो यहाँ पर हर एक daughter cell के अंदर two 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 ऐसे दो 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 chromosomes form हो जाते हैं, तो इसीलिए meiosis को क्या बोला जाता है, that is called as reductional division, ऐसे मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और ऐसा मियोसिस कहाँ पर हो जाता है, तो दैट इज टेक्स प्लेस फॉर गैमेट फॉर्मेशन इन एनिमल्स एंड स्पोर्स फॉर्मेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन के लिए और एनिमल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन के लिए ये प्रोसेस हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द मियोसिस सेकेंड, ये मियोसिस सेकेंड के बारे में हो गया, और यहाँ पर होल मियोसिस कंप्लीट हो गया। तो मैंने पहले ही बताया था कि मियोसिस आफ्टर द डिवीजन ऑफ वन मदर सेल, जब एक मदर सेल डिवाइड हो जाती है तो उसके चार डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, और वो चारों डॉटर सेल्स एक दूसरे से भी डिफरेंट रहते हैं और मदर सेल से भी डिफरेंट रहते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मदर जितने नंबर है उसके रिड्यूस टू हाफ क्रोमोसोम्स किसमें रहते हैं, डॉटर सेल्स के अंदर रहते हैं। तो दिस इज अबाउट द मियोसिस। अभी पूछो किसको डाउट है तो वो क्लियर करेंगे। यस एनीबॉडी, अक्षय आस्क। सर आई हैव अ डाउट इन मेटाफेज वन, मीन्स मेरा वो मीन्स सर जो सेंट्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं सर, मीन्स सेंट्रोइड्स तो चार ही थे वहां पे, फिर बाद में मेटाफेज टू में भी हर एक को दो दो सेंट्रोइड्स मिल गए, सर सेंट्रोइड्स फॉर्म कैसे होते हैं? डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, एक के दो बन जाते हैं,
इसलिए वो इंटरफेज में ही डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होने के वजह से एक के दो बन जाते हैं, तो पहले स्टेज में एक बार डिवाइड होते हैं और दूसरे स्टेज में दूसरी बार डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हर एक सेल को एक सेंट्रियोल मिल जाता है। और सर आज जो जिस सेल पे हम बात कर रहे थे वो जायगोट सेल है क्या? नहीं नहीं, जायगोट सेल नहीं है, जायगोट सेल इससे बनती है, जब ये मियोसिस से जब गैमेट बनते हैं ना, तो गैमेट का जब फ्यूजन हो जाता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो उससे जायगोट बनती है। एक्चुअली ये जो सेल्स रहते हैं ना, समझो कोई एनिमल है, तो एनिमल के पास जो सेक्स ऑर्गन रहता है टेस्टिस, मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओहरी रहती है, या प्लांट रहते हैं, प्लांट के अंदर एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, उसमें एंथर रहता है, और गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट जिसमें ओहुल रहता है, तो वो एंथर और ओहुल के अंदर जो सेल्स रहते हैं वो ये सेल्स हैं जो मियोसिस से डिवाइड हो जाते हैं। और सर ये स्पिंडल फाइबर्स का काम क्रोमोसोम को इक्वेटर पे लाना होता है? बस हेल्ड टू अरेंज द क्रोमोसोम अलोंग द इक्वेटर, इतना ही रहता है। और बाद में अनाफेज में वो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर जो रहते हैं ना, वो रिड्यूस्ड होते रहते हैं, कंडेंस्ड होते रहते हैं, इसके वजह से वो क्रोमोसोम को एक सेट को एक पोल के तरफ खींचते हैं और दूसरे सेट को दूसरे पोल के तरफ खींचते हैं, इसलिए वो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स गोस टू द अपोजिट पोल्स, ये स्पिंडल फाइबर के वजह से ही होता है। और सर ये न्यूक्लियस बार बार गायब क्यों हो जाता है, मींस निकल जाता है क्या सेल में से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड होती रहती है, वो रीअपीयर डिसअपीयर होती है, फिर रीअपीयर होते हैं, डिसअपीयर होते हैं, फिर रीअपीयर होते हैं, व्हाइल द डिवीजन ऑफ सेल वो डिसअपीयर होती है, एंड व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वो और रीअपीयर हो जाती है। ओके सर। ओके ओके। यस कार्तिक। यस कार्तिक सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स? एक ही क्रोमोसोम के जो दो थ्रेड दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के जो दो थ्रेड दिखाई दे रहे हैं वो सिस्टर है, और एक मैटरनल क्रोमोसोम का एक थ्रेड और पैटर्नल क्रोमोसोम का दूसरा थ्रेड, दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि वो दोनों थ्रेड जो है वो एक क्रोमोसोम के नहीं है, अलग अलग क्रोमोसोम के है, इसीलिए उनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोला गया है। ओके सर। ओके। और यस समीर। हेलो सर, सर कैन यू हियर मी? यस सर, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन द गैमेटिक मियोसिस एंड सैप्रोजेनेटिक मियोसिस? गैमेटिक मियोसिस बोले तो किसे बोला जाता है, कि जो मियोसिस गैमेट फॉर्म होने के लिए होता है, गैमेट फॉर्म होने के लिए होता है बोले तो जैसे एनिमल के अंदर मियोसिस रहता है, वो मियोसिस जब टेस्टिस के अंदर जो सेल्स रहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, या उनको स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, या फीमेल के अंदर जो भी सेल्स रहते हैं, वो सेल्स जब डिवाइड होते हैं तब उनसे जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो उसको गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं, और प्लांट के अंदर जब स्पोर मदर सेल, एंथर के अंदर जो पोलन मदर सेल रहती है, या गायनोशियम का जो ओहरी के अंदर ओहुल के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल रहती है, उनमें जब डिवीजन हो जाता है तो उसको बोला जाता है स्पोरोजेनेटिक मियोसिस बोला जाता है। बोले तो एक मियोसिस एनिमल में जनरली जब मियोसिस होता है तो वो गैमेट फॉर्म करता है, इसीलिए उसको गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं, और प्लांट में जब मियोसिस होता है तब वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, इसीलिए उसको स्पोरोजेनेटिक मियोसिस बोला जाता है। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। Does anyone have doubts or queries?
raise your hands or chat with me for any questions. You can chat also. No query, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Remaining next period, mein lenge phir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir.